हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमबी वासुदेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चाचा नेहरू। आज हम पढ़ेंगे चाचा नेहरू के बारे में कि चाचा नेहरू कौन थे। चलिए करते हैं स्टार्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश भर के बच्चों के प्रिय चाचा बन गए थे। उनको बच्चों से बहुत प्रेम था, इसलिए उनका जन्म दिवस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर में बच्चों के लिए बाल मेले लगते हैं तथा उत्सव मनाए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े वकील और देश के जाने माने नेता थे। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने तन मन और धन सब कुछ लगा दिया। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे महात्मा गांधी के बहुत निकट हो गए। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का राज था। देश के लोग महात्मा गांधी की देखरेख में स्वतंत्रता के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने संकट की इस घड़ी में देश का साथ दिया। वे पूरे भारत के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। देखिए, ये पिक्चर चाचा नेहरू की है। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, ये चाचा नेहरू के साथ हैं। ये चाचा नेहरू छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इन्हें बच्चे चाचा कह के पुकारते थे, इसलिए इनका नाम चाचा नेहरू पड़ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसी चीज़ का अभाव ना था, परंतु वे साहसी और देश प्रेमी थे। उनसे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किया जाने वाला अत्याचार देखा नहीं गया। उन्होंने देश को विदेशी दासता से मुक्त कराने का बीड़ा उठा लिया। 15 अगस्त सन 1947 को देश को स्वतंत्रता मिली। भारत की जनता ने जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया। आधुनिक भारत को बनाने में उनका बड़ा योगदान है। 27 मई सन 1964 को देश के इस महान नेता का निधन हो गया। आई होप चाचा नेहरू के ऊपर ये छोटा सा ऐसे आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।